ऑल राइट हे गाइस, आपका वेलकम है मेरे ट्यूटोरियल में। और डेथ रेपर वाला कंसेप्ट थोड़े दिन पहले पोस्ट करा था, लेकिन ट्यूटोरियल नहीं आया था, बंदों के डिमांड और नीड में था, तो मेरे को भी पता था यार, लेकिन मेरे से ट्यूटोरियल डिलीट हो गया था, थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम हुई थी तो इसलिए हट गया था। तो इसका ट्यूटोरियल आज मैं बताने जा रहा आपको, और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर सपोर्ट करें, और यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस में ज़रूर कमेंट डाउन करें कि आफ्टर वर्सेस बिफोर कैसी थी। मैं इसकी आफ्टर एंड बिफोर भी दिखा देता, लेकिन अभी बड़ी नहीं है मेरे पे, लाइक कुछ ऐसा है, घर का वाइपर पकड़ रखा है। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने यहाँ बैकग्राउंड लोड कर रखा है, कुछ एडिट नहीं है, सिंपल बैकग्राउंड है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं ज़मीन पे ये टेक्सचर, जो मतलब सॉर्ड रखूँगा मैं उसके टेक्सचर हैं कि वहाँ ब्रोकन दिखना है। उसके बाद जस्ट मैंने कर्व से सिंपल, आप कर्व देखते हैं, मैंने जेड कर्व बनाया। जेड कर्व स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, तो जेड कर्व यहाँ तक रखे पहले स्पॉट पे बस, और पहले 3 डब्बे क्रॉस। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ह्यू सेचुरेशन से उसका सेचुरेशन पूरी गायब कर दी है यहाँ पे लाके, सेचुरेशन स्ट्राइडर से। तो ये मुझे थोड़ा मूडी टाइप से बनाना था, तो मैंने इसलिए करा। और फिर यहाँ मैंने ड्रैगन ऐड कर दिया, ड्रैगन ऐड करा है बस लुमिनोसिटी ब्लेंड मोड से। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने पायरेट का फ्लैग लगा रखा है, थोड़ा सा ब्लर करके, और उसको मास्क आउट कर रखा है, नहीं तो वो डंडा पूरा दिख रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ स्केलेटन एक बोन रखा है, और फिर स्मोक ऐड कर दिया है कि वो थोड़ा धुंध में छुप जाए, पूरा विजिबल ना हो। ठीक है, फिर मैंने अपनी कुर्सी को प्लेस करा है जो मुझे चाहिए थी मेनली। ठीक है, तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स की कुर्सी है, और इंस्पायर्ड भी उसी चीज़ से है। और फिर यहाँ पे कलर बैलेंस से थोड़ा मैंने यहाँ आगे पीछे करा है चीज़ों को, जिससे मुझे एक थोड़ा सा ब्लू काइंड लुक मिल जाए, बस ब्लू अचीव करने के लिए, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ लाइट ड्रॉ करनी चालू करी है, लेकिन लाइट आएगी बहुत बाद में, पहले यहाँ मैं अपने आप को प्लेसमेंट रखता हूँ, फिर जो शेडो होती है वो क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ सिंपल ब्रश लेके। सिंपल आप ब्रश लेंगे, ब्लैक ब्रश और ओपेसिटी 10, बहुत सिंपल फंडा है, ओपेसिटी 10 हमेशा यूज़ करें शेडो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये अभी भी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जरा सा मैंने कलर मैचिंग करी है, आप देख सकते हैं कलर मैचिंग, हल्का सा कलर बैलेंस डाला है, ब्लू की तरफ शिफ्ट करा है जस्ट मैंने हल्का सा। ठीक है, तो ब्लू मुझे अचीव करना था, मेरा मेन बैकग्राउंड कैसे मैच होता है हमेशा, कि आपके सारे कलर एक ही जैसे दिखने चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, 19-20 चल सकता है, लेकिन इतना नहीं है कि आप बहुत ही अलग करते हैं, हमेशा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को जरूर मैच कराएं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करी है, लाइट्स, लाइट्स का अभी कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा मैं, पहले ये कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने हेयर्स ऐड करें, क्योंकि इसमें हेयर में थोड़े ख़राब लग रहे थे, बहुत ही व्यूअर टाइप से लग रहे थे यार, क्योंकि इस कंसेप्ट को क्लिक करते करते बहुत पसीने आ रहे थे, और बालों में बार बार हाथ मारने की वजह से बाल खराब हो गए थे। तो फिर यहाँ मैंने ऑप्ट करा कि मैं कोई नेट से PNG यूज़ करूँ, तो मैंने PNG यूज़ कर रखी है बालों के लिए। और फिर यहाँ मैंने जस्ट सिंपल ये छुपाने के लिए कर रखा है, लेकिन मैं ये वाला आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ ये कलर यूज़ कर रखा है मैंने जस्ट हल्का सा, ये आप यहाँ नोटिस करेंगे, ब्रश से बिल्कुल हल्का सा ओपेसिटी 10 पे पेंट करके, और यहाँ से अंडरलाइन लेयर को अलग कर दिया मैंने। ठीक है, फिर हेयर्स में भी ऐड करे हैं मैंने थोड़े, ये भी बाद में। अब यहाँ ऐड करता हूँ मैं ये एनर्जी, एनर्जी बॉल यहाँ मैंने ऐड करके, ये PNG है जस्ट स्क्रीन मोड की, तो सबसे पहले इसका रिफ्लेक्शन जाएगा मेरी इस कुर्सी पे। तो मैंने धीरे धीरे ब्रशिंग से ड्रॉ कर रखी है, आप मेरे सारे ट्यूटोरियल देखेंगे मैंने सब में बता रखा है, मैंने ज़्यादा इसमें आपका भी टाइम फिर से वेस्ट हो, तो यहाँ पे जस्ट आपने ब्रश से एक सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और अपनी लेयर पे जाना है, जैसे ये लेयर है,
और फिर कोई स्वीट स्पॉट ढूंढना और धीरे 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 ऐसे पेंट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं वो ज़्यादा बार लाइन ड्रॉ हो गई है। एक बार ड्रॉ करके आपने उसे ब्लर कर देना है, वो भी 2 रेडियस के साथ बस। ठीक है, फिर यहाँ मैंने ब्लर को थोड़ा सा एक और बार गॉसियन ब्लर डाल रखा है कि वो थोड़ा शाइनी क्रिएट हो जाए बस। उसके बाद यहाँ पे सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ ये कर रखी हैं चीज़ें। ठीक है, कोई हाई फाई अभी तक एडिट नहीं हुई है, इतनी जस्ट प्लेइंग और मैचिंग से ही चल रहा है। और हेयर्स में भी थोड़ा करा है मैंने कि बालों पे भी पड़ेगा। उसके बाद फेस पे थोड़ा लाइट का करा है क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ तक ज़रूर जाएगी। और यहाँ मैंने नीचे मैच कर रखा है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो ऑड लग रहा था, इसलिए मैंने हल्का सा फिक्स करा है। और यहाँ पे भी इसी लेयर से, और सिंपल सब में ओपेसिटी 10 का यूज़ कर रखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ ऐड करिए मैंने स्वॉर्ड, स्वॉर्ड ऐड करिए तो उसकी शेडो भी क्रिएट कर रखी है मैंने यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये भी ओपेसिटी सेंस से धीरे 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 धीरे, हमेशा ओपेसिटी जब आप 10 पे रखेंगे ना तो आपको देखिए ऐसे लुक आएगा, देखिए शेडो टाइप इजिली ब्लेंड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ओपेसिटी 10 आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा हमेशा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा निप पे मैंने थोड़ा ओपेसिटी 10 यूज़ नहीं कर रखा, मैंने ज़्यादा यूज़ कर रखी है ओपेसिटी। और फिर हल्का सा एक चोंच पे, नहीं होता कि यहाँ पे शेडो ज़्यादा रहती है बाकी फेडेड रहती है, तो जस्ट वो क्रिएट करा है मैंने। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इस साइड की शेडो ख़त्म करी है ब्लैक से पेंट करके। क्लिप कर दो जस्ट उसके ऊपर और ब्लैक से साइड साइड पेंट कर दिया मैंने कि लाइट इधर से आ रही है तो इधर हिट करेगी। अब ये वाली चीज़ों को मैंने इधर से पेंट कर रखा है, सेम तरीका यार ब्रश यूज़ करना है, आधे से ज़्यादा खेल ब्रशिंग का है। और यहाँ पे ये मैंने हाथ के पास थोड़ी से मुझे और लग रही थी ये चीज़, तो मैंने यहाँ भी कवर कर रखा है ब्रश से, ओपेसिटी 10 सेम चीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्मोक ऐड करा क्योंकि मेरे पैर विजिबल हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि ये कटेड है, तो मैंने स्मोक ऑप्ट करने की सही चीज़ रखी। और फिर यहाँ मैंने स्मोक ऐड कर दिया पूरे में, अब पैर विजिबल नहीं है। अब ये वाली लेयर जो थी ये बिल्कुल अच्छे से सेटल कर गई। ठीक है, समझ गए आप, वो जो जहाँ ऐसा लग रहा था कि नहीं है वो प्लेस्ड, अब वो प्लेस्ड हो गई है पूरी, मुझे यहाँ ब्लैक करना था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आए थे मैंने इसमें क्लाउड्स पे भी मैंने करे हैं कि अगर ये और भी यहाँ पे है तो लाइट इन पे भी पड़ेगी जो ये नीचे क्लाउड्स है। तो सिंपल यहाँ पे भी मैंने कर रखा है हल्का हल्का पेंट करके और गॉसियन ब्लर ज़्यादा का कर दिया है, और फिर अंडरलाइन लेयर कर रखा है मैंने। नहीं करूँगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, कर दूंगा तो सिंपल और फेडेड टाइप सा हल्का सा लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ थोड़ा मैंने टचअप दिया है जहाँ बिल्कुल ब्राइट स्पॉट है मैंने वाइट से पेंट करा उस जगह को। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने एक बड़ी सी लाइट इसी को सैंपल करके और बड़े से ब्रश के साथ यहाँ एक क्लिक करा और उसे सॉफ्ट लाइट और कम उस पर कर दिया, नहीं तो इतनी इंटेंसिटी दिख रही थी। अभी ब्लू कलर आया नहीं है फोटो में, अचीव नहीं हुआ है, वो होएगा अभी। तो फिर यहाँ मैंने कंप्लीट कर दी और फिर उसके बाद मैंने शार्पन डाल दिया इधर। ठीक है, उसके बाद मेरे को लगा यहाँ पे थोड़ा सा डाल देना चाहिए कुछ स्वॉर्ड में ब्लू टाइप की लगे कि ये और कुछ से अट्रैक्टेड है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट बनाया था यहाँ जस्ट मैंने। और ये और बनाते कैसे हैं, ये डायमंड, तो जस्ट सिंपल डायमंड मैंने इससे बना रखा है, पहले स्क्वायर लिया। ठीक है, और फिर उसमें कोई भी कलर फिल कर दो, बना के दिखा देता हूँ, जैसे वाइट है। ठीक है, फिर वी दबा के जब आप इसे रोटेट कर देंगे ऐसे तो ये डायमंड बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, जो भी कलर का आप बनाना चाहें। ठीक है, फिर उसके बाद उसी को ब्लर कर रखा है 5, 10, 20। ठीक है, और जस्ट इसको यहाँ पे कर दिया आप तो ये परफेक्ट ग्लो दिखता है मुझे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने डार्कनेस बढ़ाई है इधर की साइड पे क्योंकि और भी इधर है और बाकी सारी चीज़ें इधर ज़्यादा ग्लो हो रही थी इन कंपैरिजन अगर मैं देखूँ तो। फिर मैंने यहाँ
कर्व से थोड़ा डाउन कर रखा है, ये कर्व है हल्का सा लिटिल बिट डाउन है। और फिर यहाँ मैंने कलर ग्रेड अप्लाई कर दिया ब्लू कलर जाके, सिंपल कलर ग्रेडिंग है, कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे होती है कलर ग्रेड वाइट बैलेंस एडजस्टमेंट ये वाली, तो जितना आपको इंटेंसिटी चाहिए उतना कर सकते हैं आप ब्लू, कोई इशू नहीं आता यहाँ से। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा यहाँ और ग्लो डाला है कि जो लाइट है वो थोड़ी हार्ड हिट हो, कम हार्ड हिट हो रही थी वहाँ पे, लग नहीं रहा था कि मैं वहीं पे बैठा हूँ, तो जस्ट मैंने थोड़ा हार्ड हिट करने के लिए लाइट को कराया। और फिर यहाँ मैंने ऐड करे हैं क्रोज एंड रिवन्स, सो ये यहाँ पे ऐड है, ठीक है। थोड़े और ऐड करे हैं मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल ड्रैगन लग रहा था, अब ये थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं कि उड़ के जा रहे हैं वहाँ तक। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े ये पत्थर उड़ते हुए दिखाए हैं थोड़ा ड्रीमी और कैची लुक बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद कर्व से मैंने सिंपल वही डाउन कर रखा है तरीका जो मैं हर वीडियो में करके दिखाता हूँ। और फिर कर्व से मैंने थोड़ा नेक और फेस पे ग्लो दिया है क्योंकि वो ज़्यादा कैच करेंगी लाइट्स, ठीक है। फिर एक ह्यू से सिंपल मैंने शिफ्ट दे रखा है हल्का सा ब्लूज में और शायद या रेड्स में, आई थिंक हाँ ये रहा, सियान में है, सियान में थोड़ा शिफ्ट दे रखा है मैंने इससे ब्लू की तरफ, और जस्ट स्टैम्प आउट और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो ये ट्यूटोरियल थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब हार्ड नहीं है बनाने में लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है आपको ये सब करने के लिए, क्योंकि ड्रॉ करना बनाना ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है बस, और ईजी है ये ट्यूटोरियल, आप भी ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। और थैंक यू गाइज, आपने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक देखा, प्लीज़ ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर कमेंट करें कि आपने इस ट्यूटोरियल से सीखा जो भी है कुछ भी है, और टैग करें मुझे, मैं ज़रूर देखूँगा आपकी पोस्ट, बाकी एडिटर्स देख के या ना देख के मैं ज़रूर देखूँगा।